हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारे से गीत का मैं आपको नोटेशन बता रहा हूँ। बरसे बुंदिया सावन की, बहुत ही पुराना ये गीत है, ठीक है, और मैं इसका आपको नोटेशन बताऊंगा। हमारे गीत का जो स्केल है वो होगा डी, ठीक है, ये सा रे गा मा पा धा मी सा नी धा पा मा गा रे सा, सभी स्वर इसमें शुद्ध रहेंगे, सिर्फ नी कोमल रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, किस तरह हमारा ये आएगा। मैं बहुत ही स्लो में एक एक लाइन इसकी बताऊंगा, तो आप इसको बहुत ही आसानी से बजा लेंगे। और पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें और एक एक लाइन को समझें, ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से आप बजा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। सबसे पहला हमारा जो लाइन है, तो जैसा कि हमने जो अभी आपको गा के दिखाया वो हमारी पहली लाइन ही थी जिसको हमने गा के दिखाया था। अभी उसका सरगम देखते हैं। बरसे बरसे मा धा सा बूंदिया बूंदिया नी पा मा बूंदिया नी पा मा सावन सावन की सावन धा नी धा, पहले धा सिंगल फिर नी धा एक साथ, सावन की धा नी धा पा, ठीक है। फिर से देखें, बरसे मधसा बूंदिया नी पा मा सावन की धा नी धा पा, ठीक है। सावन सावन पा मारे सावन पा मारे की सावन की पा मारे मा सावन की पा मारे मा सावन की मन मन, यहाँ पे हमने मन को जिस तरह लिया है ये हमारा थोड़ा क्या होता है कण यूज होते हैं। अगर हम सीधा लें मन ऐसे भी ले सकते हैं, और शुरू में जब हम लर्न कोई चीज नोटेशन पे बजाते हैं तो हमें सीधा ही लेना होता है क्योंकि वहां पे ये स्मार्टनेस होती है हमारे बजाने की। मन मन यानी रे को भी जरा सा टच करके और उस पे जाना, और गायकी में वो टच करके ही जाता है। लेकिन शुरू में आप नहीं बजा सकते, इसलिए हमें सिंपल नोटेशन जो है सिंपल नोटेशन पे बजाना पड़ता है। बजाते बजाते जब आपको गाने का अनुभव होता है और उसको आप बहुत बार सुनते हैं तो उसकी जो मीड समझ में आ जाती है कि एक सुर से कोई आप सुर लगा रहे हैं उसमें कौन सा सुर टच हो रहा है, तो आप उस चीज को फिर ऐड कर सकते, उसी को कण बोलते हैं, ठीक है। मन मन हम सीधा लेते हैं, मन मन सा नी मन भावन भावन की सा रे पा मा भावन की सा रे पा मा। अब यही लाइन दोबारा रिपीट होगी, दोबारा किस तरह आएगी, भावन की बरसे बरसे, अब यहां पे से ए, तो उसमें से पे हमें रुकना है, बरसे से रे जरा सा कण टाइम में लगता है और गा पे भी हम रुकेंगे नहीं, हम उसको छू करके तुरंत लौट आएंगे।
बरसे बुनिया, बरसे बुनिया, इस तरह मधा सा रेगा निधा सनिधा पमा। ठीक है, ऐसे हम उसको ऐसे भी लेंगे और एक तरीका और मैं बताता हूं आपको। बरसे बुनिया ऐसे भी लेंगे, बरसे बुनिया माधा सा रेगा रेसा निधा पमा, एक साथ पूरा। ये हमारा पहला तरीका है और जो मैंने पहले बताया था वो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका आप जब भी उसको निभा पाएंगे उतनी जल्दी, उसके लिए आपका हाथ और थोड़ा समझ, उसको समझ तैयार होनी पड़ती है, तब वो चीज आती है। ठीक है, बरसे आप गाने को सुनेंगे तो उसमें ऐसे ही है बिल्कुल, बरसे से। अब जो रेगा है वो उसकी मीड है, एक तरह से सा की मीड है जो हमारी रेगा को टच करके और फिर वापस आती है। बरसे बुनिया निधा सनिधा पमा, निधा सनिधा पमा, एक साथ पूरा। बुनिया, और देखिए पूरा स्वर दबाना भी नहीं, बुनिया वो जरा सा हल्का लेना पड़ता है। बुनिया, अब मैं दोबारा आपको फिर से नोटेशन एक बार बता देता हूँ। बरसे बरसे माधा सा रेगा रेगा एक साथ, माधा सा रेगा निधा सनिधा पमा सावन की, ये हमारा सेम रहेगा पहले जैसा। सावन की धा निधा पा सावन की पा मरे मा मने रिसानी भावन की सारे पमा। इस तरह हमारी दोनों लाइनें आएंगी। इसके बाद हमारा आ जाएगा म्यूजिक। तो आइए सबसे पहले म्यूजिक को भी एक बार आपको बजा के दिखाते हैं, फिर उसका भी नोटेशन बताते हैं। ये हमारा म्यूजिक आएगा। ठीक है, तो आइए इसका भी नोटेशन देखते हैं क्या होगा हमारा। मैं फ्रेज बाय फ्रेज आपको म्यूजिक का नोटेशन बताऊंगा तो आप पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे और बजा लेंगे। मापा सारे मा, मापा सारे मा, पहला फ्रेज। दूसरा मापा मा सागा, दूसरा फ्रेज जो होगा होगा मा पा मा सा गा, मा पा मा सा गा। तीसरा गा रे नी रे सा, गा रे नी रे सा। गरे मेरे सा, ये हमारा थर्ड फ्रेज होगा। गरे मेरे सा, उसके बाद में धानी 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 गरे सा, धानी गरे सा। ठीक है, धानी गरे सा। फिर उसके बाद में मा, मा पा गामा रेगा सागा रे, मा पा गामा रेगा सागा रे सनिधा, सागा रे
सनिधा पधा सनी पधा सनी। अगला फिर पधा सनी पधा सनी धपमा इस तरह हमारा ये म्यूजिक आ जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। इस तरह हमारा ये म्यूजिक आएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है अंतरा। अब अंतरा देखते हैं। अंतरा की फर्स्ट लाइन मैं आपको पहले गा के दिखाता हूं, ठीक है। सावन में गुम गया मेरा मन मन, लास्ट में सा तक हम ऐसे, वो मीड है, मन सा को हमें टच करना है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, तो सबसे पहले इसका नोट से देखते हैं। सावन में, और यहां जो मैं गा इसमें ले रहा हूं, गा हमारा जो है पूरा नहीं आएगा, गा स्पर्श है, ठीक है। लेकिन हम उस स्पर्श को अगर छोड़ते हैं तो वो हमारा फील खराब कर देगा गाने का, इसलिए हमें उसको टच करके ही रखना है। सावन में अगर ऐसे लेंगे तो भी खराब हो जाएगा। सावन में सावन में, यानी गा को छूते हुए माँ और धापे जले जाएंगे। सावन में सा ग म ध गुम ग्यो गुम ग्यो धनी सा गुम ग्यो धनी सा मेरो नी पा पनी पा मेरो नी पा पनी पा मन मन मासा माँ को मीड में लेते हुए सा पे लाएंगे मन मन ऐसे। सावन में गुम गो मेरो मन, पहली बार इस तरह आएगा। दूसरी बार थोड़ा चेंज होगा, कैसे। सावन में सा का कण है, ठीक है, में, क्योंकि आवाज पे हमने जैसे जोर दिया में यानी में को हमने ऊपर बढ़ाया, तो में किस स्वर को टच करना है ये अनुभव आपको होना चाहिए, तभी आप अपने गाने में कण लगा पाएंगे। नहीं तो कण लगाएंगे तो वो ज्यादा लग गया तो भी गाना खराब हो जाएगा, कम लगा तो भी खराब हो जाएगा। जितना लगना चाहिए उतना ही लगाना पड़ेगा, और वो हमको एक अनुभव से आता है बजाते बजाते। सावन में यानी सा को सिर्फ छूना है, सरगम हमारा वही रहेगा सागम साधा। यहाँ पे सा को जैसा मैंने बताया कड़ के रूप में साधा गुम गो मेरो मन गुम गो धनी सा मेरो नी पा पा नी पा मन मन। इस बार मन में हम सा को टच नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हमें अगली लाइन पे जाना है, तो हम मन में सिर्फ माँ पे रुक जाएंगे। गुम गो मेरो मन इस तरह माँ, ठीक है। तो हमारी दोनों लाइनें कंप्लीट हो गई। एक बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूं। सावन में गुम गो मेरो मन सावन में गुम गो मेरो मन, इस तरह हमारी दोनों लाइनें आ जाएंगी। इसके बाद हमारी अगली लाइन क्या आएगी। धन सुनी हरिया वन
इस तरह सरगम धन कसुनी मधा सारे नी धन कसुनी मधा सारे नी हरी यावन हरी यावन पम बधा सा धपा पम धन कसुनी हरियावन की। इस तरह हमारी ये थर्ड लाइन आ जाएगी। इसके बाद घुमड़ घुमड़ पहला घुमड़ घुमड़ पहले घुमड़ में सारे पा घुमड़ 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 सारे पा घुमड़ पा मग मग घुमड़ घुमड़ ठीक है चहू दिशा चहू फिर से देखे घुमड़ घुमड़ चहू 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 के नीचे सिर्फ मा आएगा चहू दिशा दिशा से धानी सरी सा पहले दिशा दिशा धानी सरी से सा दिशा से धनी सरी सा दिशा से आयो आयो नींद पमा आयो पूरी लाइन घुमड़ घुमड़ चहु दिशा से आयो पूरी लाइन इस तरह। इसके बाद यही लाइन दोबारा रिपीट होगी घुमड़ घुमड़ चहु दिशा से वहां तक सेम है आयो ये हमारा चेंज हो जाएगा आयो किस तरह आएगा ठीक है यहां तक तो हमारा सेम है दिशा से उसके बाद में आयो यो अब यो आ आ नी पे आएगा पहले भी नी पे आया था आ यो खाली यो हमारा चेंज होगा तो यो में सरगम क्या आएगा यो पा धम पा गम ध पा पा धम पा गम ध पा यो और इसमें देखिए यो यो ये जो है धा कण टाइम में लग रहे हैं ये हम जैसे हम गले में हमारे गाना गाते वक्त मुर्कियां लेते हैं हम वो मुर्गियां जो होती हैं उनमें बहुत सारे कण होते हैं जो गाने को टच करते हैं और टच कहाँ करना होता है जब हमें गले को कहीं घुमाना होता है या हमें किसी सुर पे जोर देना होता है ठीक है यो घुमड़ घुमड़ चहु दिशा से आयो सेकेंड बार इस तरह आ जाएगा। इसके बाद फिर अगली लाइन क्या आएगी दामिनी दम के पामरे मामा दामिनी दम के झरी रावण की सनी सारे पामा झरी दामिनी दम के झरी रावण की बरसे बदे
ठीक है। इस तरह स्थाई म्यूजिक अंतरा ये आपका तैयार हो जाएगा। इसको आप तैयार कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। जो चीज समझ में नहीं आ रही, हो सकता है जब आप बजाएं तो बहुत सारे फ्रेज ऐसे होते हैं जहां पे कठिन फ्रेज होते हैं, वो माइंड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो हमें बहुत ही धीरे धीरे एक एक शब्द को समझना होता है और फिर उनपे काम करना होता है स्लो में। तो वो धीरे धीरे जब दिमाग में बैठ जाते हैं फ्रेजेस, फिर वो आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। नहीं तो कठिन फ्रेजेस हमेशा दिमाग से स्लिप होते हैं, वो चढ़ते नहीं है जल्दी, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद इसका अगला म्यूजिक आएगा, अगला अंतर आएगा, वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं, देखिए ये थोड़ा क्या है, ये गीत जो है ना बंदिश टाइप का है, जैसे क्लासिकल बंदिश वगैरह होती है उस टाइप का, इसलिए इसको बजाना जो है बहुत सरल भी नहीं है, लेकिन अगर उसको आप ढंग से सुनेंगे गाने को तो बजा पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ आप बैठेंगे तो एक एक लाइन हम आपको अपने सामने करवाएंगे, तो वो जो मजा होता है वो नोटेशन से नहीं आता है, ठीक है। तो सीखने के लिए आप जुड़े, अपनी क्लास ज्वाइन करें और बैठे हमारे साथ, तो उसमें आपको कोई भी गाना, आपके मन चाहा गाना आपको करवा दिया जाएगा और आप उसको सही तरह से बजा पाएंगे। मिलते हैं, नमस्कार।